हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 1 अक्टूबर से मैं आपके लिए जो आपका पैट का एग्ज़ाम होने वाला 2023 वाला, उसके लिए टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों, आज से आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखिए डेली दोस्तों आपको लगभग 2 वीडियो मिलेंगी टेस्ट सीरीज की। और दोस्तों, मैंने पहले ही आपसे बोला है, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले मैं कम से कम आपको 1000 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा टेस्ट सीरीज में जीएस के। और दोस्तों, जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ मैं आपके लिए एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन दोस्तों, इतना काम करना है, केवल आपको हमारे टेस्ट सीरीज अच्छे देखने, जो मैं आपको 1000 क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको अच्छे से पढ़ने देखने, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों, जो हमने पीडीएफ नोट्स दिए हैं आपको जीएस के, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, वो दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ने। अगर दोस्तों आपने इतना कर लिया तो दोस्तों इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ कि आपको पता होगा आपके पैट में 50 क्वेश्चन आपके आते हैं जीएस के, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, साथ में करंट अफेयर, ये सब दोस्तों आपको पूछा जाता है। तो 50 में दोस्तों कम से कम 35 क्वेश्चन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको कम से कम एग्जाम मिल जाएंगे हमारे टेस्ट सीरीज से और हमारे जीएस के नोट्स से, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर पर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, तो आपको 7ों सब्जेक्ट के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो दोस्तों आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। केवल हमारे नोट्स आपको पढ़ने हैं और साथ में हमारे टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, जो 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। उसके अलावा जीएस में कहीं से कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, क्यों दोस्तों? आप देखिए, इतना समय आपके एग्जाम में नहीं बचा हुआ कि आप किसी बुक, स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें और उसको फिर बार बार रिवाइज करें। लेकिन इतना अगर आप हमारे नोट्स पढ़ते हो, अगर डेली मान लो आप 2 घंटे पढ़ते हो हमारे नोट्स को, तभी दोस्तों लगभग 2 से 3 बार आप आराम से एग्जाम टाइम तक रिवाइज कर सकते हो। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज का हमारा पहला पार्ट है, जिसमें दोस्तों मैं आपको आज कराने वाला हूँ जो आपका करंट अफेयर है सितंबर महीने का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। क्यों दोस्तों? जो मैंने करंट अफेयर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई है, उसमें आपका 1 जनवरी से लेकर के 31 अगस्त तक का करंट अफेयर है, ठीक है। यानी दो पार्ट, दो टेस्ट सीरीज में आपको पूरा अक्टूबर का जितना भी, सितंबर का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा वो आपका इसमें कवर करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चर्चा में रही चौक परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, चौक परियोजना दोस्तों जो है आपकी, ये आपकी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन तीसरा वाला है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नाम से इस पर चौक का मतलब क्या हुआ, ये मान लो आपकी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, यानी शिक्षा क्षेत्र में आपका सुधार करने से संबंधित है आपकी चौक परियोजना। तो दोस्तों थोड़ी इंपॉर्टेंट देखिए क्यों है, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड बैंक इसमें आपकी सहायता यानी अनुदान दे रहा है। वर्ल्ड बैंक इसमें लगभग 2500 करोड़ का जो अनुदान है वो आपका वर्ल्ड बैंक देगा इस योजना में, चौक परियोजना में, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि चौक परियोजना या तो किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से या किस राज्य से आपका संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला दोस्तों आपका है कि हाल ही में मोटो जीपी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, गौतम नगर, गाजियाबाद, वाराणसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा गौतम नगर, यानी दोस्तों गौतम नगर का जो आपका नोएडा है, नोएडा के आपके बुद्ध सर्किट में इसका आपका आयोजन किया गया था, ठीक है, अभी हाल ही में मोटो जीपी 2023 का। और दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों पहली बार आपका भारत में मोटो जीपी 2023 का, यानी मोटो जीपी का आपका आयोजन किया गया पहली बार भारत में, इसे थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है ये। और ये दोस्तों आपका मोटर यानी कि आपके मोटरसाइकिल से संबंधित है कि दौड़ से, ठीक है। और दोस्तों देखिए, इसमें ये पूछा था इसका विजेता कौन रहा इस बार मोटो जीपी 2023 का। दोस्तों इसका विजेता रहा था आपका, एक थे आपके मार्को वेजेसी, ठीक है, वेजेसी, जो कि आपका इटली से संबंधित है, इटली देश से हैं, तो ये इसके विजेता आपका रहे थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला दोस्तों आपका है कि चेतन जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, गुजरात, सिक्किम या आपका आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये जो आपकी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों ये इसकी जो आपकी ऊंचाई है, लगभग मान सकते हो आपकी लगभग 9000 फीट के आसपास इसकी आपकी ऊंचाई है इस विद्युत परियोजना की, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ दोस्तों किस नदी पर यह परियोजना है आपकी, किस नदी से जल पहुंचता है इस परियोजना में आपका? दोस्तों पहुंचता है आपका चाग याचू नदी का, चाग याचू नदी जो कि सिक्किम में आपकी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आशा पारेख, वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन या हेमा मालिनी। तो दोस्तों जो अभी हाल ही में आपका 53वां अवार्ड दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दोस्तों वो दिया गया आपका वहीदा रहमान को, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों पता होगा ये पुरस्कार आपका फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों इससे पहला जो दिया गया था आपका वामन में, दोस्तों वो दिया गया था आपका आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं।
आगे दोस्तों बात करते हैं हम आपका कि हाल ही में जारी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की जो कितनी आबादी आपकी बुजुर्ग हो जाएगी, 15.6%, 20.8%, 23.7% या आपका 10.1%। तो दोस्तों जो भारत की आबादी है टोटल में आगे 20.8% जो आबादी भारत की वो आपकी बुजुर्ग हो जाएगी 2050 तक, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और बच सकता है कि वर्तमान में कितनी आबादी बुजुर्ग है भारत की, तो दोस्तों वो है आपकी वर्तमान में लगभग 10.1% के आसपास, ठीक है। और दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की किसने जारी किया, दोस्तों ये रिपोर्ट जारी किया आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने ये आपकी रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान आपका 40वां, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं पहला स्थान किसका है, दोस्तों पहला स्थान है आपका स्विट्जरलैंड का, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है आपका, और दोस्तों जारी करता है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो इस रिपोर्ट को आपको जारी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित द डे आई बिकम ए रनर पुस्तक के लेखक कौन है, सोहिनी चट्टोपाध्याय, मिल्खा सिंह, पीटी उषा या आपका सानिया मिर्जा, तो उसका सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इनका नाम है आपका सोहिनी चट्टोपाध्याय, ये आपकी इस पुस्तक की लेखक हैं, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा। अगला आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिले के महिला थाने के साथ साथ एक और थाने में महिला प्रभारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है, यह आप टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, निर्णय लिया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकून को लॉन्च किया है, ये दोस्तों आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश की आपकी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी है, तो ऑप्शन है इजराइल, पाकिस्तान, सऊदी अरब या आपका ताइवान, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका ताइवान, चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2024 के लिए भारत की किस फिल्म को आधिकारिक तौर पर नामित किया गया, दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन है 2018 एवरीवन इज ए हीरो, द कश्मीर फाइल्स, द केला स्टोरी या इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2018 एवरीवन इज ए हीरो। और दोस्तों ये फिल्म जो दोस्तों ये आपकी मलयालम फिल्म है, और दोस्तों जो आपकी 2018 में आपकी बाढ़ आई थी केरल में, तो उस पर ये आपकी फिल्म बनी हुई है केरल पर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि बाढ़ पर आधारित ये फिल्म आपकी है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर ये पूछ सकता है कि इस फिल्म के डायरेक्टर आपका कौन है, और दोस्तों इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं दोस्तों वो हैं आपके जे ए जोसेफ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत गाँव जो आपके खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस घोषित किए गए हैं, 75%, 80%, 85%, 95%, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए 75%। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में आपका यूपी को भी आपका ODF प्लस घोषित किया गया है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला आपका किस राज्य के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया गया है, असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या आपको उत्तराखंड, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम, यानी जो आपका विश्वनाथ घाट है ये दोस्तों आपका असम में है, ठीक है। अगला आपका प्रमिलन मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तो दोस्तों ये आपकी उड़ीसा की बनी है प्रमिला मलिक, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों उड़ीसा राज्य की पहली विधानसभा महिला अध्यक्ष बनी है, जो वो बनी है आपकी प्रमिला मलिक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, नालिनी भटनागर, स्वाति नायक या चेतना मारू या इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला, चेतना मारू को आपका वेस्टर्न लेन के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया आपका 2023 के लिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके स्वाति नायक है इनको अभी हाल ही में आपका नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया 2023, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 इनको हाल ही में आपका सम्मानित किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए स्वाति नायक को।
अगला क्वेश्चन है आपका कि एशियाई खेल 2023 का जो आपको आयोजन है वो चीन के किस शहर में किया जा रहा है, हांगझोऊ, बीजिंग, शंघाई, आप सभी। दोस्तों ये किया जा रहा है आपका चीन के हांगझोऊ में। और दोस्तों जैसे ही देखिए आपके एशियन खेल आपके कंप्लीट होंगे तो उसका दोस्तों एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, उसमें जो भी आपको अवार्ड देंगे भारत के वो सारे उसमें आपको शामिल कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कहाँ आपके आयोजित हों, हांगझोऊ चीन में आयोजित हो रहे हैं। और दोस्तों ये आपके 19वें एशियन खेल हैं, 19वें। और दोस्तों ये क्वेश्चन समझ सकता है कि सबसे पहले एशियन गेम कहाँ हुए थे, तो दोस्तों पता होना चाहिए वो आपके 1951 में हुए थे नई दिल्ली में, 1951 में पहले एशियाई खेल, ठीक है। और साथ दोस्तों जो आपका खेल हुए हैं आपके एशियाई खेल, इसमें दोस्तों उद्घाटन समारोह में आपके जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे वो कौन रहे, ये भी आपको पढ़ना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वो रहे हैं आपके ध्वजवाहक, एक दोस्तों रहे हैं आपके आपकी रही हैं लवलीना बोरगोहन, ठीक है, जो कि आपके दोस्तों मुक्केबाज हैं। ये पता होना चाहिए किस खेल से संबंधित, दोस्तों ये आपके मुक्केबाजी से संबंधित हैं, ठीक है। और दोस्तों एक रहे हैं आपके हरमनप्रीत सिंह, जो कि आपके हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला आपका कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में के तौर पर आपका आमंत्रित किया गया है, चीन, फ्रांस, अमेरिका, बांग्लादेश। तो दोस्तों ये किया गया आपका अमेरिका के राष्ट्रपति को, जो बाइडन को आपका आमंत्रित किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल है आपके, नीचे बताना है कमेंट करके कि जो आपका गणतंत्र दिवस 2023 वाला था उसमें आपके मुख्य अतिथि तौर पर किसको आपका आमंत्रित किया गया था। अब दोस्तों जो मैंने करंट अफेयर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई है ग्रुप में उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा तो पता होगा, आपको नीचे बताएं कमेंट करके। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये की शुरू की गई है आपकी उत्तर प्रदेश के द्वारा। और दोस्तों जैसे नाम से स्पष्ट है आपका नंदिनी यानी कि आपकी गाय से संबंधित है, ठीक है, यानी गायों की डेयरी की स्थापना के लिए आपका इसमें 50% जो अनुदान है वो आपका सरकार देगी इस योजना में। और दोस्तों साथ ही आपको पता होना चाहिए कि आपका दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में सब शीर्ष राज्य कौन सा है दोस्तों, तो पहले से दोस्तों वर्तमान में आपका राजस्थान है। इसमें आपको गलत गलती नहीं करनी है कि पहले दोस्तों आपका यूपी हुआ करता था लेकिन अब हाल ही में आपका राजस्थान पहला स्थान पर आ गया, दूसरे पर आपका आ गया है यूपी, ठीक है, दुग्ध उत्पादन में, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके सुझाव पर पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या आपका ओम बिरला। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर रखा गया है आपका संविधान सदन, ठीक है, पुराने संसद भवन का नाम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, नई दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद या भोपाल। तो दोस्तों ये किया गया आपका नई दिल्ली में, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के उच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, श्रीलंका, मैक्सिको, कनाडा या भारत। तो दोस्तों ये किया गया आपका मैक्सिको की सर्वोच्च न्यायालय ने किया है आपका, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा, ये आपके उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगला आपका कि किस देश के द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है, अमेरिका, रूस, भारत, जापान। तो दोस्तों ये किया गया आपका भारत के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि हाल ही में भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया आपका, ठीक है, थाईलैंड का, सिंगापुर का, श्रीलंका का, नेपाल का। दोस्तों ये बनाया गया आपका सिंगापुर का, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जितने भी आपके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं और खासकर जो आपके या तो भारतीय मूल के हैं, ठीक है, या आपका पहली बार बने हैं, यानी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी की देश की, दोस्तों वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका RO एग्जाम हो चाहे आपका पैट का एग्जाम हो, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, एकता कपूर या आपका नयनतारा। दोस्तों ये बनी है आपकी एकता कपूर, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कन्या सुमंगल योजना की जो आपकी धनराशि है उसको 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो दोस्तों वो कर दिया आपका 15,000 से बढ़ाकर आपका 25,000, ठीक है, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि हाल ही में मोदी ने कहाँ भगवान शिव की थीम वाली स्टेडियम की आधारशिला रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोएडा, प्रयागराज, मेरठ या वाराणसी। दोस्तों ये रखी गई है अभी वाराणसी में, आपको याद याद होगा अभी कुछ दिन पहले की बात है जिसमें आपका सचिन तेंदुलकर भी आपके पहुँचे थे, ठीक है, तो वाराणसी में स्टेडियम बन रहा है जिसकी जो भगवान शिव की थीम पर आधारित है उसकी आपकी आधारशिला रखी गई है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो देखिए जो आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं करा दें करंट अफेयर के,
सितंबर महीने की। और दोस्तों इसके अलावा एक वीडियो में करंट अफेयर की आपके लिए और बनाऊंगा, जिसमें बाकी जो भी आपका क्वेश्चन बचे हुए इंपॉर्टेंट सितंबर के, वो उसमें सारे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद जो करंट अफेयर आपको बचेगा जनवरी से लेकर अगस्त तक का, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो किसी तरह से आपका जो नोट्स में छूट गया होगा, तो उनको भी मैं आपका कवर करा लूँगा। ये दोस्तों पहला पार्ट है आपका। इसके बाद जो टेस्ट सीरीज का आपका दूसरा पार्ट होगा, वो भी दोस्तों आज शाम को आपको मिल जाएगा। उसमें दोस्तों मैं आपको कवर कराऊंगा भारतीय अर्थव्यवस्था के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों इतना देखिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप हमारा कोर्स लेना लेना या ना लें पीडीएफ, लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।